किनुआ का पुलाव बना रहे हैं। पहले किनुआ को धो के इसको पकने के लिए दिए हैं। इसमें थोड़ा नमक और थोड़ा तेल की चिपके चिपचिपा नहीं हो इसको डाल के पकने दिए हैं। पक जाएगा फिर इसका पुलाव बना। पक गया है इसको अब ठंडा होने देंगे। थोड़ा देसी घी डाल रहे हैं गर्म होने के लिए। घी गर्म हो गया है, अब राई का तड़का लगाएंगे। उसके बाद इसमें राई चटक गया है, अब इसमें हरी मिर्ची, प्याज, डाल के थोड़ा भूनेंगे। अब इसमें गाजर और शिमला मिर्च जो है वो भी डाल देंगे। ये कॉर्न थोड़ी मूंगफली भी डाल दे, सब डाल के इसको थोड़े भूनेंगे। इसको थोड़े से नमक डालेंगे इसमें। ये सब्जी और किनुआ के बराबर, किनुआ में हम थोड़ा नमक डाल चुके हैं जैसे इस सब्जी के अनुसार इसमें नमक डालेंगे। बहुत हेल्दी होता है, शुगर वाले बीपी वाले वेट लॉस के लिए बहुत हेल्दी चीज है किनुआ। इसका आप देसी घी में बनाइए, पुलाव बनाइए, ऐसे भी किनुआ किसी सब्जी के साथ खा सकते हैं। नहीं तो अगर सब्जी के साथ नहीं खाना है तो पुलाव बना के खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। थोड़ा किचन किंग इसमें डाल रहे हैं टेस्ट के लिए, कितना टेस्ट आता है इसे डाल देने से। एक चम्मच भर के डाले हैं। किनुआ इसमें डालेंगे। अच्छे से मिलाएंगे। हो गया है, अब इसको बंद कर देंगे।
इसको थोड़ा धनिया पत्ता देके मिला देंगे। अभी बहुत टेस्ट आता है, बहुत अच्छा स्मेल भी आता है, बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है इसका। आप भी बनाइए, खाइए। ये मेरा हेल्दी रेसिपी आपको किनुआ का कैसा लगा कीजिए। रेडी है खाने के लिए, आप भी बनाइए खाइए। बहुत हेल्दी है, शुगर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। वेट लॉस होता है इसका खाने से। आप चावल रोटी मत खाइए, किनुआ बना के खाइए। किनुआ को सब्जी के साथ भी खा सकते हैं बॉईल करके, और पुलाव बना के भी खा सकते हैं। आप चिकन के साथ भी खा सकते हैं इसको, अंडे के साथ भी खा सकते हैं, किसी के साथ भी किनुआ को खा सकते हैं। बदले इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। किनुआ बहुत टेस्टी लगता है, आप भी बनाइए खाइए। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।